Hi guys, welcome to this channel Bio Achievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of this chapter. So let's get started. The name of the chapter is Biomolecules, and here we will discuss about the most important questions. For more videos and PDF, please join my Telegram, which is also given in the description box. First question. Enzyme often has additional parts in the structure that are made of molecules other than proteins. When this additional part, chemical part, is an organic molecule, it is called. Question में कहा गया है कि enzyme में additional जो part होता है organic molecule अगर है तो उसको क्या कहते हैं. Here coenzyme is the right answer. Actually जो एंजाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम. होलो एंजाइम में टू पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट उसको हम कहते हैं कोफैक्टर. सो कोफैक्टर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. अगर वो ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम, और अगर वो इनऑर्गेनिक है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप. ओके, वी कैन सी इन दिस स्लाइड. एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. एंजाइम्स, एंजाइम्स को कहा जाता है होलो एंजाइम, और इसके टू पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट. नॉन प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं. अगर एपो एंजाइम की बात करें तो दिस इज़ द प्रोटीन पार्ट, बट कोफैक्टर अगर ये टाइटली बाउंड है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तब हम इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. और अगर यही कोफैक्टर अगर लूजली बाउंड है एंड द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक, तब हम इसको को एंजाइम कहते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता है. सो वेरी क्लियर, टेम्परेचर. यस, सभी इंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंड दे वर्क बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर. जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. पीएच, अगेन ऑप्टिमम पीएच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द इंजाइम. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो स्टमक में होता है एसिडिक pH. सो वहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज पेप्सिन, तो वो एसिडिक pH पे ही काम करेगी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमम pH. तो ये भी इफेक्ट करता है, ये भी pH भी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. सो यस, अगर नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग इंक्रीज कर दे तो द सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जो अटैच होगा एंजाइम से, दैट मीन्स द नेट product will also increase. So yes, enzyme concentration it also affects the enzyme activity. Next is the product concentration. Yes, product concentration kis tarah se yahan par effect karta hai, that is enzyme plus substrate kya banayega, enzyme substrate complex. Aur jab product banta hai to yahi product इंजाइम को इफेक्ट करता है टू वेज में, या तो वो पॉजिटिव सिग्नल देगा या फिर वो निगेटिव सिग्नल देगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक. सो यस, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इफेक्ट्स द इंजाइम एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट कि KM डायरेक्टली, KM ऑलवेज इफेक्ट्स द इंजाइम एक्टिविटी. एंड वॉट इज KM? माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट. दैट इज़ कि वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी जो रिएक्शन है उसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पर जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ KM. यस, सो यस, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी इफेक्ट करेगा. तो टेम्परेचर, pH, एंजाइम, प्रोडक्ट. सो द आंसर इज एक्टिवेशन एनर्जी. इट डज नॉट इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. सो आंसर इज F. नेक्स्ट, द विटामिन नियासिन फंक्शंस एज को एंजाइम इन. नियासिन जो है वो विटामिन B3 भी कहते हैं इसको.
नियासिन का मतलब जो यहाँ पर को एंजाइम एज अ यूज़ हो रहा है वो NAD या फिर NADH के फॉर्म में यूज़ होता है. सो वेरी क्लियर कि यहाँ पर जो उसका फंक्शन है दैट इज़ हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट. ओके, ये एक चार्ट है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं विटामिन बी के फंक्शंस. एक बार क्विकली रिवीजन कर सकते हैं. थायमिन को कहते हैं विटामिन B1, इसका जो कोएंजाइम है दैट इज़ TPP और ग्रुप ट्रांसफर्ड LDHydes. देन दिस इज़ द B2, द राइबोफ्लाविन, इसका कोएंजाइम FMN और FAD, अगेन हाइड्रोजन एटम्स का ट्रांसफ़र. नियासिन इज़ द B3. सो हियर देखिए NAD+ और NADP, एंड अगेन इट ट्रांसफर्स द हाइड्रोजन एटम्स. पेंटोथेनिक एसिड इट इज़ द विटामिन B5 और इसका देखो कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम A, एंड इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल ग्रुप. नेक्स्ट इज़ विटामिन B6, यहाँ पर देखेंगे इसका जो कोएंजाइम है PLP, PNP, PMP एंड इट इज़ यूज इन द ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप्स, ट्रांस एसाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स में काम करता है. अमीनो एसिड प्लस फैटी एसिड दोनों के ही मेटाबॉलिज्म में काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बायोटिन, द कोएंजाइम इज अगेन दिस बायोटिन और ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में यूज होता है. फोलेट, THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट और विटामिन B12, मिथाइल कोबालामिन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज अ कोएंजाइम फॉर अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि विटामिन B6, विटामिन B6 को क्या कहते हैं, विटामिन B6 को का जो कोएंजाइम है दैट इज़ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PNP और PMP की बात की जा रही है यहाँ पर. तो दे एक्ट एज द कोएंजाइम फॉर बोथ अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. सो विटामिन B6 इज द राइट आंसर. एट ईच स्टेप ऑफ इट्स एसेंट DNA स्ट्रैंड टर्न्स, देखो हर एक टर्न के बाद कितना एंगल वो कंप्लीट करता है दैट इज 360 डिग्री. तो एक ईच स्टेप पूछा गया है. सो हियर यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज 36 डिग्री. द फिगर गिवन बिलो शोज 3 वेलोसिटी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कर्व्स. यहाँ पर 3 कर्व दी गई है A, B और C और पूछा गया है कि ये क्या शो करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है. पहले हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करेंगे. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि वी मैक्स क्या होता है, देखो ये कॉन्स्टेंट होता है, ये सेम है. वी मैक्स इज नॉट चेंज एज देयर इज स्टिल अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेयर फुल एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अचीव. और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, KM यानी कि सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर KM कम है, अगर KM इज जितना KM कम होगा उतना ही एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी. सो हेयर अगर ये A है और ये B है, सो B इज इन केस ऑफ द इनहिबिटर और A में कोई भी इनहिबिटर नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल एंजाइमेटिक रिएक्शन. सो बी वेरी क्लियर कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक बार फिर से वी मैक्स सेम बट KM इज डिफरेंट, वो इंक्रीज हो जाता है. इसका उल्टा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है. ओके, वी मैक्स डिफरेंट होता है बट KM इज सेम. सो हेयर वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ द फिगर गिवन बिलो शोज 3 वेलोसिटी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. 3 कर्व दी गई है A, B और C और पूछा गया है कि ये किसका एग्जाम्पल है. सो वेरी क्लियर अबाउट A एंड B. यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वी मैक्स क्या है, सेम वी मैक्स है सेम, बट इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन KM वैल्यू वो है डिफरेंट. सो हेयर वेरी क्लियर अगर ये A वाली 1 है और KM 2 B
का माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के एम टू है. सो वेरी क्लियर कि बी जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है और ए जो है वो नॉर्मल इंजाइम रिएक्शन है. और सी ग्राफ, यहाँ पर वी मैक्स इज डिफरेंट, ओके, बट के एम वैल्यू इज सेम. सो ये जो है सी वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल. सो ए इज नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन, बी इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और सी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. नेक्स्ट, निकल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल कि यूरियाज में निकल एंजाइम प्रेजेंट होता है. वहीं अल्कोहल, अगर ये अल्कोहल होता, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जिंक होता है और नाइट्रेट रिडक्टेज में मॉलिब्डेनम होता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया है. और बात हो रही है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वी मैक्स क्या होता है, सेम, बट के एम वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज होती है. तो फर्स्ट वी हैव टू चेक आउट दिस स्टेटमेंट. सो इट इज़ गिवन इन द फोर्थ स्टेटमेंट दैट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज द के एम वैल्यू ऑफ द एंजाइम. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. वेरी सिंपल, अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार. यहाँ पर लिखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर. वेरी ट्रू, करेक्ट है ये स्टेटमेंट. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, इनहिबिटर चेंज नहीं होता है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो ये भी ट्रू है, ओनली फोर इज रॉन्ग. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन. थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेबलाइजिंग ऑफ प्रोटीन्स में, बट ईस्टर बॉन्ड रोल प्ले नहीं करते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. इसका जो ट्रिक है याद करने का, दैट इज एम टी वी हिल एंड टैप. टैप का मतलब है थ्रियोनिन, टी फॉर थ्रियोनिन, ए फॉर आर्जिनिन एंड पी फॉर फेलिन एलानिन, जो यहाँ पर पूछा गया है. एम टी वी एम फॉर मिथियोनिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन. फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिप्टोफैन याद रखिएगा, टायरोसिन नहीं होगा. V for valine, H for histidine, I for isoleucine and L for leucine. So this is all for this video. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe. For more videos, please write it in the comment section. Thank you.